नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त कश्मीर से एक बहुत बड़ी और बहुत गंभीर खबर आ रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांग्रेस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को भारत माता की जय और जय हिंद का नारा लगाने के बाद अपने ही देश में बदसलूकी का सामना करना पड़ा है। बुधवार को कश्मीर में मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला का कड़ा विरोध हुआ और उनके साथ कश्मीरी लोगों ने बेहद बदतमीजी से धक्का मुक्की करी। यहां तक कि फारूक अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर के मुख्यमंत्री भी एक ज़माने में रह चुके हैं, और उनके बेटे यानी कि उमर अब्दुल्ला भी कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घरानों में से और पुराने राजनीतिक घरानों में से एक फारूक अब्दुल्ला को माना जाता है। और फारूक अब्दुल्ला, जो कि कांग्रेस के बेहद कंदावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर कश्मीरी लोगों ने जूते उछाले हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला अधिकतर अपने देश विरोधी बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने भावुक होकर जब भारत माता की जय और जय हिंद का नारा लगाया और लोगों से लगवाया भी, तब इस बात से कश्मीर की जिहादी मानसिकता के लोग फारूक अब्दुल्ला जी से नाराज़ हो गए हैं। ऐसे लोग जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं पर खाते पाकिस्तान की हैं, और ऐसे लोग जो खाते भी, बल्कि ये कहीं खाते, ये भी कहना गलत होगा, जो रहते हिंदुस्तान में खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते पाकिस्तान की हैं, ऐसे लोगों ने फारूक अब्दुल्ला के ऊपर धक्का मुक्की करी। उनकी उम्र और उनके दर्जे का भी लिहाज नहीं किया। इस तरीके के दो कौड़ी के पत्थरबाज और कश्मीरी जो जिहादी युवक हैं आज की डेट में इस तरीके के हो चुके हैं। यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला जैसे वृद्ध व्यक्ति के ऊपर जूते भी छाले गए सिर्फ इसलिए कि आज फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान जय जय बोलने के बजाय भारत माता की जय बोल दिया। लेकिन बाद में, पहले तो फारूक अब्दुल्ला चुप रहे, लेकिन बाद में विरोध बढ़ने पर मस्जिद से चले गए। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कुछ चंद सरफिरे लोगों को लगता है कि फारूक अब्दुल्ला डर जाएगा तो उनकी गलती है, और फारूक अब्दुल्ला को भारत माता की जय कहने से पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं रोक सकता। कश्मीर में तो क्या, पूरे हिंदुस्तान में फारूक अब्दुल्ला को भारत माता की जय कहने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा फारूक अब्दुल्ला का कहना है। तो देखिए दोस्तों, मोदी सरकार का ही कुछ कमाल है कि आज जनाब के सुर बदले नजर आ रहे हैं। खैर, अकल देर आए या सवेर आए, पर जो भी है अच्छी आई। लेकिन दोस्तों, कश्मीर में ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से कश्मीर को हम मानते हैं और हम जानते हैं कि कश्मीर भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा है, और ऐसे में कश्मीर में एक इतने बड़े कद्दावर नेता के ऊपर भी अगर भारत माता की जय कहने पर अगर जूते पड़ जाते हैं, तो आप समझिए कि कश्मीर में हमारे आम जो सैनिक लोग हैं, जिनकी तनख्वाह मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये होती होगी और दिन भर रात देश की सेवा में लगे रहते हैं, उन कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे भारतीय सेना के जवानों के साथ ये कश्मीरी जिहादी कैसा सलूक करते होंगे, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से। और इस घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं डरा नहीं हूँ प्रदर्शनकारियों के इस घटिया रवैये का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत आज आगे जा रहा है और कश्मीर को भी कल को अपने पैरों पर खड़ा ही होना होगा। उन्हें अगर ऐसा करना था तो दूसरा वक्त चुनते, नमाज के वक्त ऐसा करना सही नहीं था। यानी कि फारूक अब्दुल्ला ने सीधे शब्दों में ये परिचय दे दिया कि ऐसे लोग जो नमाज के वक्त भी हिंसा कर सकते हैं, वो लोग मुसलमान तो हैं ही नहीं, क्योंकि एक मुसलमान को सबसे प्यारी होती है नमाज, और जिस जो नमाज के समय भी ऐसा दंगा फसाद कर सकता है इतने वृद्ध व्यक्ति के साथ, वो मुसलमान तो छोड़िए, वो इंसान ही नहीं है। आपको बता दें कि ईद उल अजहा के मौके पर हजरत बल मस्जिद में फारूक अब्दुल्ला के अलावा स्थानीय लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए थे। इससे पहले कि नमाज शुरू होती और इमाम लोगों को संबोधित करते, अचानक लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और फारूक अब्दुल्ला जी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। थोड़ी ही देर में धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नारे लगाए तो कुछ ने उनके ऊपर जूते भी उछाले। मौजूद लोगों ने फारूक से मस्जिद से चले जाने को कहा। क्या मस्जिद तुम्हारे बाप का राज है? अगर तुम्हारे बाप का राज है तो फारूक अब्दुल्ला के बाप का भी राज है। फारूक अब्दुल्ला भी मस्जिद जाएंगे, आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर हिंदुस्तान में रहकर ही आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि आप भारत माता की जय ना बोलें, तो यानी आप देश से गद्दारी कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण बातचीत का वक्त आ गया है।
नफरतों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और यहाँ पर रहने वाले लोगों का है। फारूक ने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर ऐसे जिहादी लोग ये समझते हैं कि इस तरीके से आज़ादी आएगी, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि पहले बेगारी बीमारी और भूखमरी से आज़ादी पाओ। तो यानी फारूक अब्दुल्ला जी ने भी मोदी का मंत्र कश्मीरी पत्थरबाजों को दे दिया है कि जब तक दो वक्त की रोटी तुम्हारे पेट में नहीं आएगी, तब तक तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यार, तुम्हारे पास रोटी खाने को पैसा है नहीं और चले हो जिहाद करने, हैं मिशन के रास्ते में ही दूसरों को मारने की तो बात छोड़ो, खुद ही भूखे मर जाओगे। पहले रोटी खा लो, उसके बाद जिहाद के लिए अपने पैरों पर खड़े होना, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जिहाद के माध्यम से आप कोई क्रांति लाना चाहते हैं, तो भारतीय सेना और मोदी सरकार और भारत की पुलिस कभी भी आपका ये जिहादी मंसूबा पूरा नहीं होने देगी, और आप यही सोचते सोचते अपने खुदा को प्यारे हो जाएंगे, और जो भी जन्नत जहन्नुम जो भी है वहाँ 72 हूरें भी आपको मिल जाएंगी अगर आपको लगता है। लेकिन भूखे पेट ना दोस्तों, पहले काम करो, मेहनत करो, रोटी कमाओ, और उसके बाद वक्त मिले तो कर लेना जिहाद, देखेंगे बाद में। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों से भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगवाए थे। आप सोचिए कि आज देश में माहौल ऐसा बदल रहा है कि जो फारूक अब्दुल्ला कल तक पाकिस्तान के समर्थन की बातें करते थे, आज वो भारत माता की जय और जय हिंद के नारे खुद तो लगा ही रहे हैं, लोगों से भी लगवा रहे हैं। तो कुछ फिजा में बदली बदली सी बात है, कुछ तो होने वाला है दोस्तों, कुछ अच्छा ही होने वाला है। इसी को कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, और आने वाले क्या हैं, अच्छे दिन आगे। जिस देश में फारूक अब्दुल्ला जैसा आदमी भारत माता की जय बोले और लोगों से ये नारे लगवाए, इससे बढ़िया अच्छे दिन क्या हो सकते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि इसे लेकर ही लोगों ने उनका विरोध किया। तब सभा में पूरे जोश के साथ भाषण दे रहे फारूक ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि मेरे साथ एक नारा दीजिए। दोस्तों ध्यान से सुनो, क्षमा कीजिए, आपको ये बात मैं दोबारा से बताता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि सभा में लोगों से भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगवाए फारूक अब्दुल्ला ने, तो उन्होंने पूरे जोश के साथ वहां पर मौजूद लोगों से, फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि मेरे साथ एक नारा दीजिए, भारत माता की जय। जब आवाज कम आई तो फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से दोबारा से अपील करी, अरे भाई लोगों, ये तुम्हारी आवाज है। फिर से उन्होंने बोला कि जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और अंत में जय हिंद और जय हिंद के साथ अपना भाषण फारूक अब्दुल्ला ने खत्म किया था। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपको एक यहाँ पर एक व्यक्तिगत रूप से एक बात बताता हूँ, होता क्या है कि दरअसल खून और डीएनए तो फारूक अब्दुल्ला का भी एक हिंदुस्तानी का ही है। वो कहीं अफगानिस्तान से या तुर्किस्तान से तो अपना डीएनए लेकर नहीं आए, कभी ना कहीं फारूक अब्दुल्ला के भी पूर्वज, अब से कुछ समय पहले उनके पूर्वज भी हिंदू ही रहे होंगे 100%, और इस बात को दुनिया भी जानती है। तो जब आदमी बहुत वृद्ध हो जाता है, बहुत बूढ़ा हो जाता है, और जब वो देखता है कि अपने ही साथ का कोई सहकर्मी अटल बिहारी वाजपेयी, उनके ही जमाने के नेता हैं, बल्कि उनसे भी पुराने नेता हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने फारूक अब्दुल्ला जी के साथ बहुत लंबे समय तक राजनीति में एक जिसे कहते हैं पार्लियामेंट में और अलग अलग मंत्रालयों में सरकार में एक तरीके से मिलकर काम किया है, एक दूसरे से आमने सामना सामना उनका लगातार पिछले 40-45 साल तक होता रहा है। और ये बहुत बड़ा समय होता है कि 40-45 साल तक भले ही आप लोग अलग अलग पार्टी के से संबंधित हों, परंतु जब आप एक साथ काम करते हैं, एक ही सभा में, एक ही सदन में आए दिन आपका परिचय सामना होता रहता है, तो कहीं ना कहीं एक रिश्ता, एक संबंध सा डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है एक संबंध। तो ऐसे में जब ऐसे किसी वृद्ध व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, ऐसे कोई वृद्ध व्यक्ति, ऐसे महान नेता जब दिवंगत होते हैं, तो सभी लोगों को, चाहे वो कितने ही देश विरोधी हैं कुछ हों, सबको अपना समय याद आ जाता है कि कोई व्यक्ति इस धरती पर आजीवन जीने के लिए नहीं आया है। हर व्यक्ति को जो भी इस धरती पर आया है, उसे एक ना एक दिन जाना ही है, और ये गीता का उपदेश है। और ये चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हर व्यक्ति जानता है कि जो जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होनी तय है। तो जब मनुष्य को इस तरीके का, किसी की मृत्यु का जब एक निकटतम अनुभव होता है, तो इंसान को कहीं ना कहीं सत्य से उसका अंतर्मन जो है, उसका परिचय होता है। इंसान अंदर ही अंदर एक मंथन करता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है कि भाई इतनी उम्र होती जा रही है, अभी अगर मैं देश के खिलाफ बोलूँगा तो कम से कम मरते समय चैन से नहीं मरूंगा, मुझे मेरे खुदा भी शायद एक नेक जगह नहीं बख्शेंगे।
तो ऐसे में शायद फारूक अब्दुल्ला के अंतर्मन को भी लगा हो कि अब मैं काफ़ी वृद्ध हो चुका हूँ, अब ये जिहाद की घटिया राजनीति से बाहर निकलकर देश को क्षमा कीजिए, तबीयत अभी भी ठीक नहीं है दोस्तों, 3 हफ्ते से आप लोगों के सामने खबरें लेकर आ रहा हूँ लेकिन अभी तक तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, थोड़ा सा बुखार अभी तक उतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे में फारूक अब्दुल्ला को भी लगा होगा कि कहीं ना कहीं अब उनका भी समय, जिसे कहते हैं कि काफ़ी हर व्यक्ति को जाना है, ये काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, तो उन्हें भी लगा होगा कि अभी ये घटिया राजनीति छोड़कर देश हित की राजनीति करें ताकि जाने के बाद इस दुनिया में लोग फारूक अब्दुल्ला को एक अच्छे नाम से याद रखें। दोस्तों अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर आदमी तक पहुँचाएँ। फारूक अब्दुल्ला का ये जवाब, उनका भारत माता की जय और जय हिंद कहना पूरे देश के सभी जिहादी मानसिकता के लोगों के मुंह पर और वामपंथी कम्युनिस्ट लोग जैसे राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त जैसे घटिया पत्रकारों के ऊपर एक बहुत करारा तमाचा है। अब उनका भी वक्त आ गया है कि ये वामपंथ और कश्मीर एक अलग राष्ट्र है इस तरीके का राग अलापना छोड़ें और भारत माता की जय के नारे। अब मैं चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला जब ये चाहते हैं कि देश का हर व्यक्ति, वामी हो या कौमी, आप या हो या भाजपा का, भाजपा वाले तो करते ही हैं, चाहे कांग्रेसी हो जो भी हो, सबको अब भारत माता की जय का नारा लगाना ही पड़ेगा। और क्यों ना लगाएं, अगर आप इस भारत देश के नागरिक हैं तो भी आप अगर भारत माता की जय ना लगाए का नारा नहीं लगाएंगे तो क्या भारत में पाकिस्तान अपना अब्बू का नारा लगाएंगे या फिर अफगानिस्तान अपने अब्बू का नारा लगाएंगे? आपका अब्बू आपकी अम्मी कौन है? आपकी अम्मी आपके अब्बू हिंदुस्तान है, याद रखें इस बात को। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये खबर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करने के साथ साथ नीचे जो बेल आइकन यानी घंटी का छोटा सा निशान है, घंटी का, उसे दबाएं और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप तक वीडियो पहुँचेंगी जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं, हर खबर, हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचेगी। देशभक्ति से संबंधित इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे और पूरी दुनिया को जोड़ पाएंगे। आपको करना बस ये छोटा सा काम है कि बेल आइकन का निशान दबाइए। दोस्तों हम इतनी लंबी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, इतनी देर तक मैं बोल रहा हूँ तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी, अगर आपसे एक छोटी सी गुजारिश मैं करता हूँ कि बेल आइकन दबाइए, तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे मित्र मेरे लिए इस काम, मेरे लिए नहीं तो कम से कम देश के लिए ये काम जरूर करेंगे। बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि फारूक अब्दुल्ला जी के बारे में अब आपकी क्या राय है, क्या आपको भी लगता है कि फारूक अब्दुल्ला जी मोदी राज में थोड़े बदले हैं? अगर आपको लगता है कि देश में अच्छी हवा है, अब देश में अच्छे दिन आ रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं, तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमको बताएं। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।